15th of September is celebrated as Teachers' Day every year. जैसा कि आप सभी ने अभी तक मेरे मित्र रिचो को सुना, रिचो ने शिक्षक दिवस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इसके इतिहास से अवगत करवाया। अब मैं परीक्षा आप सभी के समक्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचारों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। बिना शिक्षक बनता नहीं जग में कोई महान, बिना शिक्षक बनता नहीं जग में कोई महान, शिक्षक ही डालता है नित सपनों में जा। सपने सपने कौन नहीं देखता, किसी का सपना है डॉक्टर बनना, किसी का सपना है इंजीनियर बनना, कोई क्रिमिनल बनना चाहता है तो कोई वकील। यहाँ बैठे सभी विद्यार्थियों के सपने अलग अलग होंगे, परंतु क्या इन सपनों को बिना किसी के मार्गदर्शन करवाए बिना प्राप्त किया जा सकता है? जी नहीं, हर किसी पेशे को आगे ले जाने में शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। हर व्यक्ति के जीवन में पेशेवर क्षमता को क्षमता के विकास के साथ साथ उसमें आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति उद्योग करवाने में भी शिक्षकगण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर महान शख्सियत के पीछे गुरु का आशीर्वाद और साथ होता है। सोचिए, अगर अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य न होते तो अर्जुन को कौन जानता? अगर रामकृष्ण न होते तो स्वामी विवेकानंद जी को कौन जानता? अगर रमाकांत आचरेकर नहीं होते तो सचिन तेंदुलकर को कौन जानता? ऐसे ही अन्य गुरु है जिनकी सूची बहुत लंबी है, जिन्होंने महाशिक्षक की सफलता को संपूर्ण करने में अहम भूमिका निभाई है। जीने की कला सिखाते शिक्षक, जीने की कला सिखाते शिक्षक, ज्ञान की कीमत बताते शिक्षक। पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता, पुस्तकों के होने से कुछ नहीं होता अगर मेहनत से ना पढ़ाते शिक्षक। डॉक्टर राधाकृष्ण जी कहा करते थे, पुस्तकें वो साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं, किंतु इन पुस्तकों में ज्ञान का भंडार धरा का धरा रह जाता अगर मंदिरों शिक्षक पर इतनी कर्मठता से हमें ज्ञान नहीं बांटते। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले दो वर्षों में कोविड के कारण स्कूल और कॉलेजों के बंद होने के कारण सभी छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया था, क्योंकि महामारी के दौरान सभी बच्चों के पास सीखने के लिए जरूरी अवसर साधन या पहुंच नहीं थी। लाखों छात्र छात्राओं के लिए स्कूलों का बंद होना उनके भविष्य का अंत था, किंतु ऐसे में हमारे शिक्षकों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमारी शिक्षा को जारी रखा और हमारे मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया। So, this day is an opportunity to pay tribute to all the teachers for their hard work and for their devote effort in. They not only teach us, but also guide us and inspire us to achieve great things in life. Now, I must say, if our teachers are the root and I am the tree, any work I'm able to do or any work I do, it is the fruit of their labor. They pour in their hard work, their knowledge, their efforts for us to become wise and successful. Today, I would like to take this opportunity to gratitude my thanks to all the teachers for their unconditional hard work and for guiding us throughout, not just academically, but throughout all the aspects of the life. Thank you. With this, we would like to conclude our speech, wishing all the teachers a very happy Teachers' Day. यहाँ बैठे सभी शिक्षकगण को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जाने से पहले गुरु वंदना का उच्चारण करना चाहेंगे।